वेल ये है पैल वर्ल्ड का पार्ट टू। वेल इसे पार्ट टू तो नहीं कह सकते क्योंकि मैंने दो बार इसको लाइव स्ट्रीम में भी खेला है। एंड मैं तुम्हें अपने कुछ पोकेमॉन्स दिखाने वाला हूँ, आई मीन पैल्स। ये है नाइटविंग। इसको मैंने कैसे पकड़ा? ओए नाइटविंग, पकड़ो कैसे नाइटविंग को, पकड़ो इसे ऐसी की तैसी, पकड़ 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 पकड़ना भैंस की टके। आजा आजा आ गया, लेट्स गो। ये है एक था राइडर। अब इसको मैंने कैसे पकड़ा? बहुत दुनिया भर के बजट दिए इसमें। ये है मैलपाक का, ये शायद रास्ते में मिल गया था। बहुत बढ़िया, ये टब होगी लड़ाई। रुक, पकड़ लिया मैंने इसे। व्हाट, अब मैंने तो कुछ करा भी नहीं। और ये है भाई चिलेट। ओ भाई आजा 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 आजा। और ये है गेल क्लो। ये थोड़ा पिजियोट जैसा लगता है ना, वो पोकेमोन में जो था। और ये वो पोकेमोन्स है जो मेरा स्लेवरी का काम करते हैं। वलाज हम पकड़ने वाले हैं पोस्ट पोकेमोन्स, एंड जिनमें से एक होने वाला है मेमोरेस, जिसे पकड़ते पकड़ते हमारी अस्तसी हो गई थी, क्योंकि कभी वो भाग जाता था, कभी वो गायब हो जाता था, तो कभी वो हमें मार देता था। एंड मैंने हम क्यों बोला, क्योंकि आज है मेरे साथ मेरा छोटा भाई आयुष। वाह 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 वाह। मैं तुम्हें कुछ भी फालतू चीज नहीं दिखाऊंगा, मैं सिर्फ तुम्हें प्रिपरेशन दिखाऊंगा कि बॉस से लड़ने से पहले हम क्या क्या तैयार होके गए हैं, एंड बॉस से लड़ते समय और उसको कैच कैसे करा, वो सब दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहला जो बॉस पोकेमोन था वो था पैन किंग। अब मेरे ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से मैं पैन किंग को पकड़ने अकेला ही चला जाता हूँ। अरे अब मैं मारूंगा इसे, अब मेरी लेवल ज्यादा है। बच्चों अरे हटो बच्चों, बोला था मैंने अकेला मत जाओ। अब यहाँ लड़ाई हो रही। ओए मेरे को रिवाइव करो। इंसान को अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, तो इस बार मैं गलती नहीं करता और अपने भाई को अपने साथ लेके जाता हूँ और उस पैनकिंग की माँ को सलाम दे देता हूँ। मैं बच्चों को मारता हूँ, मैं बड़े को मारता हूँ। मार दूर दूर से मार, एरो ही एरो, एरो ही एरो, एरो ही एरो। अरे चिलेट की तो बिमरी सी नचा दी ने, मर मत जाइयो चिलेट, इज्जत का सवाल है, पहली बता रहा। पकड़ 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 पकड़। अरे अभी क्यों फेंक दिया? अबे आ सकता है, आ गया आ गया आ गया आ गया, लेट्स गो। लकीली हमारा कोई भी पोकेमोन नहीं मरा था, तो हम सीधा निकल गए किंग पाका की तरफ, जो कि हमारी दूसरी बॉस फाइट होने वाली है। इंसान आ गया। सबसे मुश्किल बॉस फाइट थी भाई किंग पाका वाली, क्योंकि इसके अंदर हमारे सारे पोकेमोन्स चल बसे थे, मेरे भी और उसके भी। कुल मिला के हमने सारे 10 के 10 पोकेमोन बर्बाद कर दिए थे। ओ तेरी, मेरा गया मेरा गया मेरा गया मेरा गया ये गया। अरे जब मरने वाले हो तो पोकेमोन चेंज कर लिया कर। हाँ हाँ कर लिए। ये इधर की बच्ची थी, लेकिन हमारा ये प्लान भी फ्लॉप हो गया, एंड एक एक करके हमारे सारे पोकेमोन खत्म हो गए। तो जैसे ही हमारे सारे पोकेमोन्स मर गए थे, तो मैं इसे बो से मारते जा रहा था, और कब दिन से रात हुई और रात से दिन हुई पता ही नहीं चला। एंड एक मोमेंट ऐसा आया कि जब ये चुपचाप खड़ा हो गया और हमसे मार खा रहा था। अब तो ये कुछ भी नहीं कर रहा। अबे इसको पता है ना इसकी मौत आ गई, या तो मरेगा या तो आएगा। मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बली है। अबे ये आ क्यों नहीं रहा भाई, 1% है इसकी पावर। हमने लिटरली 20 से भी ज्यादा पैल्स फेयर्स यूज कर लिए थे दोनों ने मिला के, एंड बार बार ये पोकेमोन बाहर निकले जा रहा था 1 HP पे, और मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कैसे। 1 HP है तो आना। Hours later. आ गया। फाइनली भाई हमारे सारे पोकेमोन खत्म हो गए इसे एक को पकड़ने में। अपने कैंप पे पहुंचते ही सबसे पहली जो चीज मैंने करी वो अपने पोकेमोन्स को रिवाइव किया, क्योंकि मुझे दूसरे बॉसेस भी पकड़ने थे, तो क्या डंडों से लड़ते उनसे। फिर हमने अपने लिए एक एक जोड़ी नए कपड़े बनाए, जिसे इस गेम में आर्मर बोलते हैं। मारो बे मारो, रोबिन रोबिन मार, ये रोबिन मार क्यों ना रहा। ओ भाई पड़ेगी साल में। अबे काम छोड़, इसकी पावर देख कितनी कम जा रही। अब ये मारेगा पैंकिंग, मार पैंकिंग। ओहो भाई पैंकिंग ने क्या मारा, देखना मेरा 110 डैमेज दे रही हो किंग पाका। अरे तेरा किंग पाका की ऐसी की तैसी, पकड़ा था मैंने ही उसे। अबे मैच भी हो रहा भी मैं, बचा मेरे को। A few moments later. चुट!
कभी रिवाइव किया। अबे ये पकड़ ही नहीं रही, पकड़ ना, वो पकड़ ले, आओ पकड़ ले, आजा 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 आजा, आ गया, आ गई, लेट्स गो। सही है, मैंने सही टाइम पे गीगा स्फीयर फेंक दिया। तो इस वाली बॉस फाइट से मेरे को इतना तो क्लियर हो ही गया था कि ये मेगा स्फीयर और नॉर्मल स्फीयर से नहीं पकड़े जाने वाले। सो मैं और मेरा छोटा भाई चल पड़े कैंप की तरफ, क्योंकि हमें बनाने थे अब बहुत सारे गीगा स्फीयर्स। लेकिन उससे पहले वो क्या है? ओबे पकड़े गए इसको, है लेजेंडरी पोकेमोन लग रहा। ओ लड़ने चल रहे, लड़ने लगे। छोड़ ना, तू भी अपना क्या कर रहा है? छोड़ दिया ना, कहाँ है तू? इधर है। अबे इधर आनू। आ रिया, इसी की तो बात कर रहा था मैं भी। अबे ओ यू क्या है, ये बंदर। अबे मार दिया यार इसको यार। अबे और भी है, आजा और भी है उधर। अबे यहाँ पे मेरे इसकी ऐसी तैसी होगी, और भी हैं और भी हैं। सुन, जैसा हमने प्लान बना रखा ना वैसे ही करेंगे। मैं भी चिलेट निकाल लूँ फिर। भाग रहा हूँ मैं तो, मैं मार ला इसको। उससे पकड़ पहले नॉर्मल से। अब गीगा खोल ले, गीगा उसे मार। पकड़ 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 गीगा से पकड़। हाँ अब तो आ ही जाएगा। लो आ गया, आ गया। चल इसको पकड़ने के बाद हम जाते हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए कैंप के अंदर, एंड देन हम जाते हैं अपनी अगली बॉयज फाइट के लिए। मेरे पे तीर नहीं है यार। ओ भाई, ओ बढ़िया, ये सही पोकेमोन है। ओए बुला ना नूब, बुला लिया कर क्रूशल टाइम पे। मेरे पीछे क्यों आ रहा? मार ओए गिगली फिगली पफ। अबे कहाँ ले जा रहा तू उसे? अबे आग लग गई पतिल्ला को। ओ भाई उत्तरी नाइटविंग तो सही खेल रहा भाई। क्यों मेरे पीछे क्यों आ रहा? बुलाता रहा कर ऐसे, बुला भगा बुला भगा। जब ना ये क्रूशल अटैक्स मारने लगे, ये लड्डू जब फेंक के मार रहा तू। एल्फीड्रान भी एक चैलेंजिंग बॉस पोकेमोन है, क्योंकि इससे लड़ते लड़ते सुबह हो जाती है। ओए रुक, अब पेल्सवेयर फेंकने दे। वो अब आ जाएगा। ओ शूट, चुप, अभी टेम ना रिवाइव का। पकड़ ले पकड़ ले पकड़ ले। आ गया आ गया आ गया, लेट्स फ्रिकिंग गो भाई। रवि रवि आ, मेरे को दे दे। चुप अभी, यहाँ मैंने पकड़ा, हीरो ना बना ज्यादा। इस वाले बॉस पोकेमोन को पकड़ने के बाद मेरे अंदर का कीड़ा जो घूमने के लिए उतावला रहता है, IRL तो नहीं घूम पाता, लेकिन गेम में मैं घूमने के लिए पता नहीं कहाँ चला गया, तो मैं एक नई दुनिया में पहुंच गया और मेरे को वहाँ दिखता है 23 लेवल का बॉस। मैं जा रहा हूँ भाई अंदर, ठीक है, उसके बिना। पहली फाइट 1v1, आ जा लाड ले। फ्लैशबैक। ओए मेरे को रिवाइव करो। मीनवाइल पकड़ ले, वरना मेरे को गीगा स्फीयर यूज करना पड़ जाएगा। प्लीज चल अब तो आई जाओ। गीगा स्फीयर वेस्ट करवा दिया कधी ने भाई, ये बंदी क्या है रे? आयुष बोल। अबे मैं मर गया। मैंने अपने भाई से बोल दिया था कि ये 1v1 फाइट होने वाली है, तो तू बीच में मत आइयो और मेरे को पकड़ने दियो, क्योंकि मेरी फाइट है तो मैं ही पकड़ूंगा ना। लेकिन उसने मेरी फाइट के बीच में एक पेल्सवेयर फेंक के वो बॉस पोकेमोन पकड़ लिया और मेरी फाइट का सत्यानाश मार दिया। एक झापड़ है सब तुमका लाते रे। एनीवेज ये सब तो होता रहता है, लेकिन अब टाइम है इस वीडियो की हार्डेस्ट बॉस फाइट का। अब मैं और मेरा छोटा भाई जा रहे हैं मेमोरेस्ट से पंगे लेने। सबसे पहला हमारा प्लान था कि जैसे बाकी बॉसेस के साथ हम लड़े थे, वैसे ही हम मेमोरिस्ट की पावर कम कर करके उसे गीगा स्फीयर में बंद करेंगे। लेकिन बाकी बॉस फाइट में और इस बॉस फाइट में जमीन आसमान का फर्क था। सो हमने प्लान बनाया कि मेरा छोटा भाई बनेगा बेट, मेमोरिस्ट पीछे पीछे आएगा तो वो कैंप तक चला जाएगा, देन हम वहाँ पे उसका 1v8 कर देंगे। अरे भाई क्या बुरा सीन, सारे पॉल भाई हमारे सारे पोकेमोन मार रहे इसे। रेडी रहियो, ठीक है, ये कहां किसे किसे मारेगा। A few moments later, ये भागने की कोशिश कर रहा होता है, तो मैं इसके लट मार के फिर बुला लेता हूँ। लेकिन इसी बीच होता है बहुत ही बुरा कांड। तो होंगे जल्दी जल्दी
यार। यहाँ पे मैंने तुम्हें सिर्फ एक मिनट की क्लिप दिखाई है और ये फाइट चली थी पूरे आधे घंटे तक। लेकिन हम भी डीट थे तो हमने फिर से मेमोरेस्ट को अपने कैंप में लाने का बंदोबस्त किया। लेकिन इस बार हम उसे कैंप में नहीं लेकर गए, वहीं गेट पर अटका के रख दिया ताकि हम उसके बजेड़ सके। पता नहीं क्या हुआ, मेमोरेस्ट बीच में ग्लिच कर गया तो वो किसी को ना ही मार रहा था। ये सारे पोकेमोन्स के साथ हो रहा था ज्यादातर। लेकिन हमने तो अपनी ग्राइंडिंग मतलब अपना मारना चालू रखा एंड जब मेमोरेस्ट की 1% पावर बची एंड मैंने अपना आखिरी जी का पैल्स फेयर फेंका। अब मेरा खत्म पैल्स फेयर, तेरे पे कितने बचे? एंड देन आ जा, आ गया, आ गया, लेट्स गो। मैंने उसे पकड़ ही लिया।